खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। भदानी नगर सगे पिता और सौतेली माँ बेटी का रिश्ता हुआ तार तार। पैसे के लालच में सगे पिता और सौतेली माँ ने बेटी की हत्या। रामगढ़ जिले के भदानी नगर थाना क्षेत्र के चिकोर में सौतेली माँ बेटी का रिश्ता तार तार होकर हुआ शर्मसार। अपने सगे पिता और सौतेली माँ ने 12 लाख फिक्स डिपॉजिट पैसे के कारण बेटी खुशी कुमार को प्रताड़ित कर हत्या कर दी। लड़की के भाई साहिल कुमार ने कहा कि सौतेली माँ द्वारा लगातार खुशी कुमारी को प्रताड़ित किया जाता था। ग्रामीणों ने किया भदानी नगर थाना का घेराव। पुलिस जांच पड़ताल में भी पिता और सौतेली माँ आरोपी पाए गए। जानकारी के अनुसार सगे पिता और सौतेली माँ ने मिलकर बेटी की पहले तो गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया था। परिजनों को संदेह होने पर पिता सुनील महतो और सौतेली माँ के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल के बाद गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पिता और सौतेली माँ को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। ससुराल में है, हमको 4 बजे खबर गया कि तेरा भतीजी के उल्टी मैदान हो गया। हम लोग को पहुँचते पहुँचते 5-6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे, तब तक ले देखते हैं कि पूरा पुलिस यहाँ फोर्स भरा हुआ। हम अपने भैया को बोले मेरा सोने का चरैया कहाँ उड़ा दिया, हमको सोने का चरैया दे दो, बोलता हम नहीं जानते। कैसे लगा किसका माही मारा बच्चे को, कैसे लग रहा? हमको कैसे लग रहा, हम देखे तो लग रहा है कि उसको कोई गला दबा दिया है और मार दिया गया है। गला में जैसे कि दाग है, पूरा दाग है, डढ़ा हुआ जैसा कि कोई चिलाई से दागी है, उस टाइप का हम देखे हैं। दोनों का लोग सौतेली माँ थी, उसको कभी उसको अच्छा नहीं मानती थी, बेटी को कभी अच्छा से बात की कभी नहीं करती थी, हमेशा उसको मतलब खाना पीना भी ढंग से नहीं देती थी खाने के लिए। मतलब बोलती थी कभी कभी बच्ची की नहीं देते हैं खाना उना, कहीं भी जाती थी तो कुछ पैसा वैसा भी नहीं देके जाती थी। सौतेली तो सौतेली होती है। क्या चाह रहे हैं आप लोग अभी यहाँ पर, क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी की सजा हो बस। बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, उसे मार कर उसे फांसी का नाम दिया जा रहा है। मेरी सौतेली माँ और पिता ने उसे मार कर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उनसे इस बात की सजा नहीं मिल रही है। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक थाना प्रभारी या थाना के थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना हमें अभी तक कुछ मिला है। क्या कारण था मारने का? मारने का कारण था पैसा। उसके नाम पे 6 लाख रुपए फिक्स था, 2 महीने के बाद वो उड़ने वाला था और नॉमिनी में पिता का नाम था, इसीलिए 12 लाख रुपए दिए। इसीलिए उन्होंने मेरे बहन का हत्या कर दिया। और मेरी कुमारी है जो 11th क्लास की छात्रा थी, उसकी सौतेली माँ के द्वारा प्रताड़ना के कारण इस प्रकार की घटना, सौतेली माँ और बाप के द्वारा इस प्रकार के प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण इसका मूल रूप से कारण यह है कि दोनों के नाम से 6-6 लाख रुपये डिपॉजिट था, उसी पैसे पर माँ और बाप का दोनों का नज़र था, जिसके कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। मामला में FIR दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधानोपरांत इन्हें न्यायिक भेजा जाए। न्यायिक हिरासत में कब भेज रहे हैं सर? आइए हम लोग परसों दो दिन पहले शाम को ग्राम चिकोर थाना भदानी नगर में एक 18 साल की लड़की फांसी लगा हुआ मिला, इसकी जानकारी प्रशासन को है। प्रशासन पहुंच करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की अनुसंधान करने लगे। अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि ये मृत बच्ची जो है सो उनकी सौतेली माँ और उनके पिताजी बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे और उनको उनके साथ प्रतिदिन टॉर्चर प्रताड़ित हो रहे थे, जिसके कारण से वो आत्महत्या की है। तो हम उसको अभी उनके पिताजी और उनकी माँ वो लोगों के द्वारा पूरी तरह से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनको अभी हम लोग दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और आगे की अनुसंधान भी कर रहे हैं। सर, इस घटना को क्या कैसे देख रहे हैं आप? इस घटना को अस्पष्ट है कि आत्महत्या तो की है, लेकिन इसको प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया गया है, इसलिए हम लोग प्रताड़ित करने के आरोप में उनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि पैसे की लालच में इसकी हत्या की गई। बस वही पैसे और सभी चीज के यही सब के मामले में सौतेली माँ थी और पता चला कि हर समय हर दिन प्रताड़ित करते थे, हर दिन उसको टॉर्चर करते थे, जिसके कारण से वो ऐसा की एक कदम उठाई। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।